साक्षी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। इसके लिए देखिए, हमने गुलाब जामुन मिक्स पाउडर ले लिया है, दूध है और ये चीनी है और ये पानी है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले इसे हम गुन करके तैयार करेंगे। ये देखिए, एक बर्तन में मैंने गुलाब जामुन का मिक्स पाउडर ले लिया है और इसे अच्छी तरह से मिला करके हल्की हल्की दूध से इसे हम सानेंगे। इसे हम पानी से नहीं सानेंगे। दूध हमें हल्की हल्की दे के सानना है ताकि हमारा पाउडर गीला ना हो। ये देखिए, डो हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी छोटी छोटी घी लगा लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने चाशनी बनाने के लिए पहले से एक गिलास पानी डाल दिया था। ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं, अब इसे हम तलते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया था। ये अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम इसमें रिफाइंड डाल करके इसे हम गर्म तलेंगे। इसे अच्छी तरह से हम अभी गर्म होने देंगे। इसे बीच बीच में कंटिन्यू चलाते जाएंगे। और हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे सारे बॉल्स को डाल करके मीडियम आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे हम डीप ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें चाशनी को हम चलाते हुए चेक करेंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी काफी अच्छी बनकर तैयार हो गई। ये डीप फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी चाशनी बन करके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। चाशनी में हम गुलाब जामुन को डालेंगे। चाशनी में हम गुलाब जामुन को डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा गुलाब जामुन अच्छी तरह से अंदर तक से इसमें चाशनी चला जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार है। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट बना है दोस्त। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक इसे जरूर करिएगा।